अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर, आप देख रहे हैं एनीटाइम न्यूज़। सच को रखे सबसे आगे। मैं शुक्र गुजार हूँ शाही नगर और जलपली के बलिया के एरिया के उलेमा करम और हमारे तमाम मस्जिदों के सदर जो यहाँ पर बीआरएस पार्टी और खासकर हमारे वालदा इस हल्के के एमएलए सविता इंद्रेडी मोहतरमा की इंतखाबी उस मसले से फायद करने को जो आगे आए, मैं शुक्र गुजार हूँ उन सबका। बात तो सच है कि ये 5 साल में इस एरिया जलपली म्यूनसिपाल्टी में बहुत सारे तरक्यात काम हुई और इसके जिम्मेदार भी या इस हल्के के एमएलए सविता इंद्रेडी मोहतरमा ही है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे देख रहे, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ काम इस 5 साल में जिससे हुआ और एक 5 साल दीजिए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ किसी और से ना काम करने का काबिलियत रखते हैं जो कैंडिडेट में, ना ही अपनी एरिया के परेशानियों या बुनियादी मसाइल से वाकिफ रखते, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि और एक 5 साल वालदा हमारे वालदा सविता इंद्रेडी को मोहतरमा उनको जिताए और अपनी एरिया के लिए सोच समझ कर वोट दिए और कौन डेवलपमेंट किए और कौन करने के काबिलियत रखते हैं उसके भी एक बार फरके और गौर करें। एक बात, कल परसों ज़रूर ये कोशिश होगी कि पैसों के ज़रिए कुछ ना कुछ वोटों की खरीद करने की कोशिश होगी। मैं कभी ये समझता हूँ कि मुसलमान वो पैसों के लिए उनकी वोट नहीं बेचेगा, मैं ये बात पे पक्का भरोसा करता हूँ। कल परसों तो ये कोशिश होगी कि इस एरिया के जलपली के हल्के के एरिया के वोटों को बंटवारा की जाए और फिरका परस्त जमातों को जिताने की कोशिश होगी। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सोच समझ के बीआरएस पार्टी केसीआर साहब और हमारे वालदा सविता इंद्रेडी का हाथ मजबूत करें। खुदा हाफिज़। और बात जो जो भी हमारे यहाँ पे ये है रिप्रेजेंटेशन जो दिए हमारे बड़े साहब, इसका मैं एक चीज जो मेरे कंट्रोल में है उसके तो पक्का मैं करूँगा। जो हॉस्पिटल की बात हुई अभी तो उसका जो उलेमा करम ही की थी उसकी नुमाइंदगी, उसका तो पूरा ही पूरा सैंक्शन हो गया, जगह मिलते उसका तो शुरू करा देंगे। बाकी के इस लोकल एरिया में जो भी गुंडागर्दी का मसाइल है उसका दूसरा और पुलिस स्टेशन लगाने का और एसओटी टीम बढ़ाने का भी एक और एक यहाँ पे प्लान चल रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स, रोड टू ड्रेनेज का तो बजट है और बजट लाएंगे इंशाल्लाह। घरों का तो बहुत बड़ा ये उस्मान नगर का तो मैं पहले भी बयान कराऊँ एक हफ्ता 10 दिन से, जो जो भी उस्मान नगर के उस तालाब में उनके घर है उन सब का सर्वे की जाएगी और इलेक्शन होते ही गवर्नमेंट लैंड देखी जाएगी और उनको वहां पे पट्टे तकसीम कर जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद इसकी बात तो पक्का है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे तो अभी सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बड़ा पिटीशन चल रहा है किस तरीके से वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज को बचाया जाए, उस पर भी केसीआर साहब की भी एक कमेटी बैठी है और असद साहब की भी उनकी भी खास निगरानी है उस चीजों पे। मैं भी कोशिश करूंगा कि वक्फ बोर्ड की आंख प्रॉपर्टीज पर ना कुछ ऐसी दखलंदाजी की जाए। और बाकी के तमाम हमारे भाई यहाँ पे जो जो भी हमारे सामने नुमाइंदगी करे हर चीज की जिम्मेदार बनूंगा, जो ऊपर बोलना है उसकी बोलेंगे, जो नीचे हमारी हद तक करेंगे काम वो करा के रखेंगे। खुदा हाफिज़। गरीब आवाम के लिए तमाम बस्तियों में बेहतरीन हॉस्पिटल और बस्ती दवाखाने कायम किए जाए। हालात चाहे कुछ भी हो, फिरका परस्त पार्टी की और उनके फिरका वाराना पॉलिसियों की तायीद हरगिज न की जाए, वरना आइंदा आवाम का एतमाद आप पर से। तंजीम में जो है ना आपका किरदार है जिसमें जो है ना ख़त्म नबूवत है और जो है ना जमीन के उलमा है और दिगर यहाँ की भी जो है ना तंजीमें जो हैं ये पूरे ज़िम्मेदारान हैं तकरीबन इसके अंदर और आइमा मौजा तो पूरे मदरसे के ये ज़िम्मेदारों को बुला लिए अब तक मैं पूछता हूँ कि भाई जो अहम चीज़ें हैं आपके अंदर में जो है वो तो आप पर हमारे इतमाद है कि मैडम करेंगे और आप जो है ना हमारे साथ देंगे काफ़ी जो बड़े चीज़ें हैं। हम जो नाम लेता हूँ, सबसे पहले मुफ्ती सोहेल साहब है, मौलाना अबरार साहब है, मौलाना अकबर साहब, मौलाना रिजवान साहब है, मौलाना जावेद साहब है, मौलाना शरीफ साहब है, हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब है, हाफिज़ अब्दुल बासित साहब है,
हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर उलमा हुफाज जो जमा हैं, मजलिस उलमा हुफाज अइमा मसाजिद की तरफ से ये बात कह रहे हैं कि हलके महेश्वरम के लिए हम बीआरएस की जो तायद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं उनको यहाँ पर जीतने का मौका ना मिले, और जो है पूरी हमारी उम्मत की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से जो है नुमाइंदगी हो और वोट जाए तो वो एक तरफा जो है हो, और जो मुत्तहिदा तौर पर वोट जाए जिसमें जो है ऐसी ताकतें जो फ़िरका परस्त हैं उनको जो है फ़ायदा ना पहुँचे, इसलिए जो है यहाँ पर तायद की जा रही है। हमने जो है मोहतरमा सबीता इंद्र रेड्डी साहिबा से और कार्तिक रेड्डी साहब के पास जो है जो मुतालबात रखे हैं उसमें एक तरफ ये है कि जो है यहाँ मकामी तौर पर जो हालात हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है डेवलपमेंट आया है, और मज़ीद जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसको जो है पूरा किया जाए, और हल्के में जहाँ पर जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत है और महल्ले में जो है जो ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा करें, और इसी के साथ साथ जो है जो मुतालबात हमने रखे हैं वो ये भी हैं कि रियासती सतह पर ख़ास तौर से जो है जो इबादतगाहें हैं, मसाजिद हैं, उनके तहफ्फुज़ का मसला ये जो है आप जो है चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँचाएँ। इसी के साथ साथ जो है जो उस्मान नगर का मसला है, तालाब का मामला है, वहाँ भी जो है कोई ऐसा हल निकालें जिससे जो है वहाँ के रहने वालों को फ़ायदा पहुँचे और एक मजबूत लाहेमल वहाँ के लिए तैयार करें। ये जो है पैगाम आप जो है चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाएँ। मोहतरमा जो है सभी इंदिरा रेड्डी साहिबा से मुतालबा है और कार्तिक रेड्डी साहब से मुतालबा है कि ये पैगाम जो है आप जो है बड़ों तक, चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँचाएँ कि इबादतगाहों को और जो है जो यहाँ के मुसलमानों के मसाइल हैं उनको हल करें, और ख़ास तौर से जो है यहाँ के लिए जो डेवलपमेंट का मामला है उसको पूरा करें। इस मुतालबात के साथ जो है हम चाहते हैं कि पूरे मुसलमानों से हम गुजारिश करते हैं कि अपना वोट मुत्तहिदा तौर पर दें ताकि फ़िरका परस्त ताकतों को जो है फ़ायदा ना पहुँचे, इसलिए जो है हम ये ख़ास तौर पर मुतालबा कर रहे हैं और तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो है बीआरएस को यहाँ पर जो है हलके महेश्वरम में वोट देकर मुत्तहिदा तौर पर आपको कामयाब करें, ताकि मैडम ने जिस तरीके से अब तक काम किया है आइंदा भी हम जो है उनसे यही मुतालबा रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो जो है इस काम को जो है ऐसे ही करेंगे और यहाँ पर अमन को बरकरार रखेंगे। हमारी ये जो है तमाम उलमा हुफ्फाज़ की तरफ से गुजारिश है।